सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में एक बार फिर स्वागत है और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ दो तरीके के घरों में आप पाइपिंग किस हिसाब से लगा सकते हैं। पहले भी मैं आपको पाइपिंग लगाना बता चुका हूँ, लेकिन वो ओरियो कपड़े में था, ये आपको सीधे कपड़े में आपको बताऊंगा कि आप किस हिसाब से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है और ये आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी कमीज है और हम ये कपड़ा लेंगे पाइपिंग के लिए, ठीक है। और हमने गला पहले से काट रखा है और कमीज का पल्ला भी पहले से काट रखा है। तो हम इस कपड़े को रखते हैं और ये कपड़ा है, हम इस कपड़े पे इसको जमाएंगे। और ये कपड़ा है, मैं आपको जो इसमें बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आप ध्यान से नोट करना, ठीक है। सबसे पहले तो जो इसमें पाइपिंग लगाना बताऊंगा, तो ये हमने गला पहले से काट रखा है, ये गला है कम कटाव वाला, ठीक है। जो मैं पाइपिंग आपको बताने वाला हूँ ये कम कटाव वाला गला है, तो ये गले में आप लगाएं। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कटाव वाले गले हो, नोक वाले हो, तो उसमें आप ये वाले तरीके से पाइपिंग नहीं निकाल सकते। इसमें ये गला हो गया सीधा, स्वीट हार्ट हो गया, गोल गला हो गया, आप सिर्फ इन्हीं गलों में पाइपिंग इसमें निकाल सकते हैं, चोरस हो गया। इसके अलावा ज़्यादा कटाव वालों में नहीं निकाल सकते। ज़्यादा कटाव वालों में आप और कपड़े में पाइपिंग निकालें। और साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मान लीजिए ये वाला कपड़ा आपका ज़्यादा मोटा है जिसमें से बुकरम नहीं चमकती, तो आप पाइपिंग किस हिसाब से निकालेंगे। अगर आपका कपड़ा नहीं चमकता, जैसे हम बुकरम पलट देते हैं और आपका वाइट वाइट ऊपर की तरफ नज़र नहीं आता, तो आप किस हिसाब से इसमें पाइपिंग निकालेंगे, तो ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आप ये देखिए, सबसे पहले हम गले को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लगाने के बाद एक सिलाई इस पर भी मार लेंगे, कपड़ा नहीं मोड़ना। अभी हमने कर लिया, ठीक है। तो हम इसको अब बराबर से बुकरम के बराबर से काट देंगे कपड़ा। देखिए ये हमने काट लिया। अब हमें क्या करना है, हम पाइपिंग वाला कपड़ा जो लेंगे हम उसको नाप के देखेंगे, ऐसे इस हिसाब से रख के काट लें। जैसे मैंने तो पहले काट रखा, लेकिन हम इसको जब भी एक बार सेट करेंगे, ठीक है, इसको हम सेट कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमने सेट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम हटा लेते हैं। अब हम इसको सबसे पहले गला पलटते हैं, जैसे कि हम हर सूट में गला पलटते हैं, उस हिसाब से आप गला पलटेंगे। देखिए कटाव वाली जगह पर हम कुटका लगाएंगे, जिससे कि हमारा गला आराम से फोल्ड हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर एक लब की सिलाई मारेंगे। ठीक है, आप ये लेने के बाद जो आपका कपड़ा आपने रखा था उस कपड़े को इस हिसाब से रखें, और अब इसको ये उल्टे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला आपका उल्टी तरफ का हिस्सा है, तो आप उल्टी तरफ के हिस्से को पहले सही से ऐसे करके बिठाएं। और जितनी आपको पाइपिंग लेनी है, ठीक है, बारीक लेनी है, जितनी जिस हिसाब से आप सिलाई लगाएंगे आपको उतनी मोटी पाइपिंग मिलेगी, तो हम इसको उसी हिसाब से सिलाई लगाएंगे। देखिए ये मैंने कर लिया ना, सिलाई लगा ली। अब इसको आप बराबर से काटेंगे, लेकिन बराबर से कितना मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले काट लेता हूँ। ये देखिए, आप देखिए इतना इतना कपड़ा जो है इतना इतना होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम पाइपिंग पलटेंगे तो कपड़ा भसकेगा नहीं, निकलेगा नहीं, ये जमा रहेगा अपनी जगह पर। लेकिन आप बराबर से काट देंगे तो ये दिक्कत होगी और ये कपड़ा निकल सकता है। तो हमने ये सिलाई लगा ली, अब हम सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो हम सीधी तरफ से ऐसे लेने के बाद हम कपड़े को अंदर करेंगे, और जितनी हमारी पाइपिंग पर हमने सिलाई लगाई थी ऑटोमेटिक बैठ जाएगी। अब हम जो सिलाई लगाएंगे वो कपड़े पर लगाएंगे, पाइपिंग पर नहीं चढ़नी चाहिए, और जड़ में सिलाई लगे जिससे कि सिलाई भी नजर नहीं आनी चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, ये हमने पाइपिंग लगा ली है, लेकिन हमें अंदर का कपड़ा भी सेव करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम वैसे करेंगे जैसे हम गला जमाते हैं। तो कटाव वाली जगह पर हम कट लगाएंगे, ठीक है। ये हमने लगा लिया, उसके बाद हम इसको अब पलट देंगे। अब इसको हम सब कपड़े को फालतू वाले को काटेंगे। ये ध्यान रखें, कमीज नहीं कटनी चाहिए, कपड़ा कटना चाहिए पाइपिंग वाला। ये काटने का सीधा करें, और जो फालतू का ऊपर का है इससे आप जो भी मतलब आपका फालतू है वो काट के, और आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से पाइपिंग हमने निकाल के दिखा दी। ये देखिए, ये हमारी पाइपिंग इसमें निकल चुकी है। ये एक स्टाइल है पाइपिंग का, ठीक है। आप पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ठीक है। ये इस हिसाब से कवर हो जाएगा। ये आपका वो वाला है जिसमें कि कपड़ा नहीं दिखता, मतलब बुकरम नहीं दिखती, तो आप उसको में इस आप उसमें इस हिसाब से पाइपिंग निकाल सकते हैं। लेकिन जिसमें आपकी बुकरम दिखेगी आप उसमें पाइपिंग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने एक गला करा। लेकिन आप ये चीज़ का ध्यान रखना, ये कम कटाव वाले गले और चौरस स्वीट हार्ट सीधा, ठीक है, और गोल गला, इसमें ही ये गले बनते हैं। कटाव वाले नुक वाले गलों में ये अलग गला इस हिसाब से पाइपिंग नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप निकालेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से ना निकालें, उसमें और एक कपड़े से निकालें, ठीक है। तो ये गला हम हटाते हैं, हम दूसरे गले पर आते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें भी हमने वही कपड़ा लिया है सेम, और इसमें भी हमने सेम कपड़ा लिया है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि कलर कुछ ऐसा है आप आराम से इसमें देख पाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा कपड़ा है चमकने वाला, ठीक है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये कपड़ा चमकने वाला है, तो हम इसको पाइपिंग कैसे लगाएंगे। तो हम इसको पहले गला जमाएंगे, जैसे कि हम हर कमीज में जमाते हैं। और आप इसको इतना इतना फालतू कपड़ा काट लें, और आप इसे अब मोड़ दें। अब देखिए आप, इसे मैंने ये जो वाइट वाला हिस्सा छोड़ा ना एक पैर के आसपास का, ठीक है। अब हम इसको कवर करेंगे, कैसे करेंगे, पहले गला जमा लेते हैं। तो हम कमीज़ खोलते हैं, कमीज़ में गला जमाते हैं। आप हमेशा इसकी कमीज़ की क्रीज में सिलाई ज़रूर लगाएं गला जमाने से पहले, ये नहीं कि अंदाजे से जोड़ें, एक सेंटर सिलाई ज़रूर लगाएं हमेशा, जिससे कि आपका कभी सेंटर आउट नहीं होगा, इस चीज़ का ख्याल रखें। अब आप इसमें वैसे ही सिलाई लगाएं जैसे कि हम हर गले में सिलाई लगाते हैं। अब हम इसको काटेंगे एक पैर के मार्जिन के हिसाब से, ठीक है। अब एक चीज़ का आपको मैं दिखाता हूँ इसमें क्या होगा। अब जो हमने कपड़ा हमेशा फालतू लेते थे ना, ये जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा है, अब हम इसको जब हमारा गला कट गया, हम ऐसे करेंगे, देखिए ये वाइट वाला हिस्सा छुप गया। अब हम जब सीधा करेंगे तो हमारा ऊपर की तरफ में वाइट वाला हिस्सा नज़र नहीं आएगा, इसे कहते हैं फिनिशिंग, ठीक है। जिसमें कपड़ा नज़र आएगा या बुकरम नज़र आएगी, तो गले भी आप प्लेन भी बनाएंगे तो इसी हिसाब से बनाएंगे जिसमें गला चमकेगा, ठीक है। ऐसे बनाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, और फिनिशिंग का आप मतलब काम कर सकते हैं। अब आप इस पर लपकी सिलाई लगा लें, लपकी सिलाई कहते हैं जिस जो गले के किनारे पर चलती है, इसको हम लपकी सिलाई कहते हैं। अब आपने पलट लिया, अब आप इसको भी वैसे करेंगे जैसे कि उसमें करा था हमने, कि हम इसके नीचे कपड़ा रखेंगे ऐसे, ठीक है। कपड़ा रखने के बाद जो हमारा सीधे वाला हिस्सा होगा, जो सीधा हिस्सा होगा वो सीधा हिस्सा ये है, हम कपड़े पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, उल्टे वाला ऊपर रखेंगे। अब हम इसको जमाएंगे, जितनी हमें पाइपिंग दिखानी उतनी हमें पाइपिंग की सिलाई लगानी पड़ेगी। अब आप इस कपड़े को भी वैसे काटेंगे जैसे कि मैंने उसमें बताया था। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी हम वैसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे कि हम पिछले गले में सिलाई लगा चुके हैं। तो इसको हम पलटेंगे जितनी भी पाइपिंग दिखानी है, और हम सिलाई लगाएंगे।
तो दोस्तों देखिए, ये हमने सिलाई इसमें पाइपिंग लगा ली, ठीक है, ये हमारे पाइपिंग इसमें नज़र आने लगी, लेकिन हम इसके पीछे वाले हिस्से को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि हम अगर इसको इस हिसाब से करके मोड़ेंगे तो इसका जो नीले वाला हिस्सा होगा जो हम काटेंगे, हमारा हल्का कपड़ा है तो यहाँ पे नज़र आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। तो हम इसको कवर कैसे करेंगे, हम इसे कवर करेंगे, हम गले को ऐसे खोल के खोलेंगे, ठीक है, और इसको जो आपका बुकरम वाला हिस्सा है इसे एक पैर के हिसाब से ऐसे करके काट लेंगे। ये बहुत ही मेन चीज़ होती है फिनिशिंग के लिए, बनाने में तो आप जो मर्जी बना लो लेकिन फिनिशिंग में बनाओ उसका मज़ा ही अलग होता है, ठीक है। ये कर लिया, अब आप इसको मोड़ दें जैसा कि आपका हाथ साइड बैठता है उसी हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ से मोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से मेरा हाथ ओके बैठता है, और ऐसे रखेंगे इस कपड़े को, ऐसे खींच लेंगे और हम इसको इस हिसाब से मोड़ेंगे, ठीक है, और हम सिलाई लगाएंगे। फालतू कपड़े को काट दें और आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पाइपिंग निकल गई अच्छी, बहुत अच्छी निकली, ठीक है। अब आप इधर देखिए, उल्टी तरफ में हमने कपड़ा भी इस हिसाब से जमा दिया, ये देखिए आपको पास से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये आपके बुकरम का हिस्सा है, ये आपका कपड़ा है, इधर से आपके दिखेगा ही नहीं कपड़ा, तो ये आपका वाइट बुकरम वाला हिस्सा खत्म हो गया, कपड़ा भी नहीं दिखेगा और आपकी पाइपिंग भी निकल गई। तो ये फिनिशिंग में पाइपिंग निकालने के दो आसान और बेहतर तरीके हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।